नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। किस तरीके से कौन सी खबर ने सुर्खियां बटोरी और किस तरीके से नीमच के लोकल पेपर ने कौन सी खबर को प्रथम पेज पर स्थान दिया है, इसे बताते हैं हम आपको। अगर सबसे पहले बात करें नीमच पत्रिका की, तो नीमच पत्रिका में किस तरीके से कौन सी खबर प्रकाशित की गई, किस तरीके से उसको स्थान दिया गया, जिस तरीके से अंजलि बोरा का जिस तरीके कल वरगोड़ा निकला था और जो दीक्षा ले रही उस खबर को यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। एक बड़ी खबर यहाँ पर अंजलि बोरा को लेकर छापी गई है। मुमुक्षु अंजलि ने संसार को विदाई दे, संयम पथ की ओर बढ़ाए कदम, ये खबर यहाँ पर मुक्ता से प्रकाशित की गई। एक बड़ी खबर यहाँ पर जो अंजलि बोरा की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में मुड़ा जनसेला, इस तरीके से इस खबर को यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही पशुओं के निवाले शुक्ले को अवैध रूप से पहुँचाया जा रहा फैक्ट्री, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इसके साथ ही बात करें तो CBI टीम कर रही है मादक पदार्थ तस्करों पर लगातार कार्रवाई, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई। इसके साथ ही छोटी से मोटी खबरों को भी जो है स्थान दिया गया है। इसके साथ ही मालवा दर्शन की बात करें तो मालवा दर्शन ने भी जो है अंजलि बोरा को लेकर एक खबर जो दीक्षा ले रही है उसे लेकर एक बड़ी खबर, उसके जीवन परिचय को लेकर खबर जो यहाँ छापी है। और उसकी हेडिंग की बात करें तो संयम मार्ग पर आरूढ़ हुई अंजलि को शादी बनाने का नीमच माटी ने पाया शोभा की, इस तरीके से इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही CBI की कार्रवाई, HDFC बैंक घोटाले के ऋषि ठाकुर की गिरफ्तारी और तमाम छोटी से मोटी खबरें, नपाध्यक्ष चोपड़ा ने विधायक के साथ मुख्यमंत्री से की मुलाकात, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। साथ ही छोटी से छोटी खबरें, वर्मा बने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इस तरीके से जो छोटी खबरें हैं उनको यहाँ पर प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इसके साथ ही गुरु एक्सप्रेस की बात करें तो गुरु एक्सप्रेस में भी जो है मंदसौर के साथ छोटी मोटी खबरें जो है नीमच की उनको प्रथम पेज पर स्थान दिया गया है। अब अगर बात करें दशपुर एक्सप्रेस की, दशपुर एक्सप्रेस में किस तरीके से कौन सी खबर सुर्खियाँ रही, किस तरह प्रथम पेज पर प्रकाशित की गई है, सुभाष ऊझा की कलम से जो है एक बड़ी खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई है। राज्य का बजट और क्षेत्र का मामला मलाल, खजाने का मालिक घर जैसा शख्स होने के बावजूद टूंगता रह गया अपना क्षेत्र, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इसके साथ ही छोटी से छोटी खबरें भी जो है यहाँ खबर को प्रकाशित किया गया है। चाहे अगर बात करें किसानों से अवैध वसूली व मारपीट करने वाला बिजली कंपनी का सुपरवाइजर राजेंद्र गोलिया निलंबित, इस खबर की बात करें। अभी नीमच नरेश के दरबार में फागुन शुक्ल एकादशी का महापर्व आज, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इसके साथ ही छोटी से छोटी खबरें जो हैं उस खबरों को यहाँ पर दशपुर एक्सप्रेस में प्रकाशित किया गया है। अब अगर बात करें राज एक्सप्रेस मंदसौर रतलाम नीमच की, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से कौन सी खबर यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इसमें बात करें तो नीमच मंदसौर रतलाम के साथ जो है छोटी से छोटी खबरों को प्रथम पेज पर स्थान दिया गया है। नीमच की खबरों को कहीं ना कहीं इसमें जो है उचित स्थान दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें नीमच भास्कर की बात करें, नीमच भास्कर में किस तरीके से कौन सी खबर प्रमुखता से दिखाई गई, नीमच भास्कर में भी जो है बाढ़दा बांध का काम शुरू, ग्रामीणों ने जमीन के बदले पहले जमीन देने के लिए किया विरोध, ये खबर यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इसके साथ ही गांधी सागर समूह नल जल योजना में नगर की जनता को 24 घंटे मिलेगा पानी, ये खबर यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। CBI की जो बड़ी कार्रवाई है उस कार्रवाई को लेकर यहाँ पर एक खबर जो प्रकाशित की है उचित स्थान दिया गया है। इसके साथ अगर बात करें और भी कई खबरें जो हैं छोटी से मोटी खबरों को यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थान दिया गया। जिस तरह अगर बात करें अंजलि बोरा की, तो किस तरीके से उसका वरगोड़ा निकला था आज दीक्षा ले रही थी, उस खबर को भी नीमच भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, उसको स्थान दिया। इसके साथ ही छोटी छोटी खबरों को भी यहाँ कहीं ना कहीं जो है इस पेपर में स्थान मिला है। ऐसे में बात की जाए तो किस तरीके से कौन सी खबरें सुर्खियाँ बटोरी, किस तरीके से खबरों में जो है उनको स्थान दिया, किस तरीके से उनको प्रकाशित किया, ये बताने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर था। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।